Hi, this video is all about a very good job vacancy, and this job vacancy is wonderful due to two reasons. So first one is कि ये आपको बहुत ज़्यादा flexibility देती है in terms of time. तो कोई specific time नहीं है, कोई specific time slot नहीं देना है आपको, कोई किसी तरह का एक fixed routine या time कुछ आपको देने की ज़रूरत नहीं है. It depends on the concept, the more you work, the more you earn. तो जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, according to that you will earn. सेकेंड रीज़न वाई दिस इज़ वंडरफुल इज़ कि जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि इसमें आपको कोई टेक्निकल राउंड, कोई इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टेक्निकल राउंड नहीं है एज सच, बस एक डेमो होगा. इफ़ यू आर थ्रू दैट डेमो देन यू आर सेट टू गो, आई मीन यू विल गेट द जॉब. तो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस जॉब. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म. आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस वैकेंसी इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. Hello everyone. Hi, I'm Swati Singla, and in this video I'm going to talk about a job vacancy that is about doubt solving teacher in an academy. This job is related to an academy. There they have a job vacancy for doubt solving teacher. तो जो ये vacancy है, इस job में आपको 9th to 12th के बच्चों के doubts clear करने होंगे. Face to face नहीं होगा. इनकी website पे आपको doubts मिलेंगे. You have to solve it at your home. तो वर्क फ्रॉम होम है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना है. इवन आपको कहीं किसी को फेस भी नहीं करना है, मतलब किड्स को भी फेस नहीं करना है, बच्चों को फेस नहीं करना, आई मीन स्टूडेंट्स को भी फेस नहीं करना है. टोटली एट योर ओन कन्वीनियंस. सब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो रहेंगे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो ये चार सब्जेक्ट्स के डाउट्स होंगे. 9th to 12th जो होंगे वो उस क्लास के डाउट्स रहेंगे इसमें. शिफ्ट की तो कोई as I told you earlier too, कि कोई as such fixed time slot नहीं है, कोई shift नहीं है. You can work according to your time, your schedule, your convenience. तो कोई preferred time नहीं है इधर. जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा, जितने solve करेंगे उतना ज़्यादा आप earn करते चले जाएंगे. Now about eligibility criteria और experience. तो as such कोई eligibility नहीं है. Obviously 9th to 12th के students के maths, biology, chemistry, physics के questions solve करने हैं तो you must have the knowledge of all these subjects. तो ये तो होनी ही चाहिए. सेकेंड इज इन्होंने प्रेफर्ड जो मांगा है वो है कि टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपका 1 year का होना चाहिए. टीचिंग में हो तो वो प्रेफर्ड है, मैंडेटरी नहीं है. और जो वर्क एक्सपीरियंस जो 1 year का मांगा है इन्होंने वो भी प्रेफर्ड है, नॉट मैंडेटरी. तो इसमें ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपके पास है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा एक्सपीरियंस. अदर देन दैट देर इज नो एसेस्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया. इफ आई टॉक अबाउट द लैंग्वेज दे प्रेफर, दैट इज अगेन इंग्लिश. सी गाइस, आई ऑलवेज टेल यू कि इंग्लिश नाउ डेज इज काइंड ऑफ मस्ट. तो ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ट्राई टू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन योर इंग्लिश, राइट? सो बिकॉज एवरी फील्ड डिमांड्स इंग्लिश लैंग्वेज. येस, देर आर फील्ड विच डिमांड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेजेस टू, बट इंग्लिश इज काइंड ऑफ असेंशियल दीज डेज. सो हैव समथिंग, हैव अ नाइस ग्रिप ओवर इट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सैलरी पैकेज, सैलरी दे हैव मेंशनड एज 20,000 to 50,000 पर मंथ. दे हैव ऑल्सो प्रोवाइड अ कंसर्न पर्सन फोन नंबर हियर. तो अगर फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो वी हैव टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन. तो आई प्रोवाइड यू द पर्सन कॉन्टैक्ट नंबर टू. When I talked to him, तो मैंने उनसे सैलरी के लिए भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मांगा. तो उन्होंने बताया कि पर डाउट के बेसिस पे आपको पेमेंट मिलता है. तो आई आस्क्ड हिम कि ये बैंड जो है 20,000 to 50,000 का वो किस लिए है. तो ही सेड कि पर डाउट के बेसिस पे आपको पेमेंट मिलेगा, लेकिन जो टोटल अमाउंट बन जाता है ना, डाउट्स आप क्लियर करते हैं, डाउट्स क्लियर करते जाते हैं और पेमेंट लेते जाते हैं, तो वो विद इन दिस बैंड पहुँच ही जाता है नॉर्मली. तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है. तो उन्होंने जो मुझे रफ आइडिया दिया है, दैट इज़ लाइक वो डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लास के और कौन से सब्जेक्ट के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं. पर जैसे मैंने उनसे एक रफ आइडिया मांगा तो उन्होंने मुझे एक रफ आइडिया दिया है कि अगर आप 10th के सपोज साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 10th के, तो यू विल गेट अराउंड 20 rupees पर डाउट. और अगर आप 12th का सॉल्व कर रहे हैं तो दैट देन अगर आप 12th का सॉल्व कर रहे हैं देन यू विल गेट 30 rupees पर डाउट. तो इफ़ आई से कि मैं दिन में अराउंड 20 questions भी सॉल्व कर देती हूँ तो आई विल गेट अराउंड 600,
रुपीज़, अगर मैंने वो 20 क्वेश्चन 12th के क्लास के सॉल्व किए हैं तो मोटा मोटा अगर रफ आइडिया मैं लेती हूँ तो 30 डेज़ के यानी एक मंथ के मैं ले लेती हूँ आराम से 18,000। तो इनिशियली अगर आप सोचते हैं कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ग्रेजुअली आप करते चले जाएंगे तो आपका ये अमाउंट और नंबर ऑफ डाउट्स जो है वो बढ़ते जाएंगे जो आप क्लियर करेंगे, और नंबर ऑफ और जो अर्निंग मनी है वो भी बढ़ते ही जाएगा ऑब्वियसली। आई थिंक दिस इज रियली अ गुड ऑप्शन एज अ पार्ट टाइम जॉब, कि आप कुछ कर रहे हैं तो अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन। सो दिस इज इट, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट दिस जॉब एंड दिस इज द कंसर्न पर्सन्स फोन नंबर हियर। द कंसर्न पर्सन नेम इज शुभम, आई टॉक टू शुभम and you can talk to him and get all the details, and if you want to apply call him, he'll send you a mail and he'll tell you about everything and ask you for demo class or maybe recorded demo. So aage aage jaise proceeding hogi he'll guide you. माई ओपिनियन दिस इज रियली वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। अगर आपको नहीं भी करनी है ना, आई मीन अगर आपको अमाउंट कम लग रहा है तो इन माई ओपिनियन डू ट्राई इट। होता है नहीं होता दैट इज़ द अदर थिंग, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है ना, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन मिल रहा है कुछ अर्न करने के लिए, वो भी घर बैठे ही थोड़ा सा ही टाइम देकर, ज़्यादा मत दीजिए, एक डेढ़ घंटा दो घंटा जितना आप दे सकते हैं वो दीजिए, उसमें ही आपको कुछ एडिशनल इनकम हो रही है। आई डोंट थिंक दिस इज़ समथिंग नेगेटिव राइट, तो दिस इज़ समथिंग बेनिफिशियल, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दिस इज़ रियली अ गुड ऑप्शन। ठीक है, तो दैट इज इट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हेल्पफुल please give it a like and do share it with all your friends and relatives so that they will also get to know about this vacancy and they can also earn something additional, and consider subscribing to this channel if you are new to this channel and hit that bell icon and press all in that bell icon. I'll see you soon in a new video. Till then, namaste.